हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग बताने वाली हूँ जो कि आज आप लोगों ने दिन में ऑब्जर्व किया है। आप में से बहुत किसी ने आज करीब 10 बजे से लेकर के 12 बजे दिन में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि सन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था, है ना। सन के अराउंड में ये कुछ एक सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा था, कुछ अंधेरा सा दिख रहा था। तो आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि ये है क्या, इसे मैं सोलर इक्लिप्स कहूँ, सूर्य ग्रहण कहूँ या क्या है ये, है ना। क्यूरियोसिटी मन में हुई होगी इसे जानने की कि आखिर है क्या ये, ऐसा क्यों होता है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को इसी की जानकारी देने वाली हूँ कि ये आखिर में है क्या, इसे हम क्या कहते हैं और ये किस तरह से होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसे हम कहते क्या हैं, है ना। दिस इज़ नॉट सोलर इक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण नहीं है, ये ना इसे अब कहा जाता है हेलो। ओके, हेलो यानी कि रिंग, हेलो मीन्स होता है रिंग, सन के अराउंड रिंग है तो इसे हम कहते हैं सोलर हेलो। ओके, और अगर मून के अराउंड होता है तो हम उसे कहते हैं ल्यूनर हेलो। तो ये सन के अराउंड भी हो सकता है और रात में मून के अराउंड भी हो सकता है, तो मून को ल्यूनर कहा जाता है इसलिए इसे हम कहते हैं ल्यूनर हेलो, और अगर ये सन के अराउंड है तो इसे हम कहते हैं सोलर हेलो। अब बात आती है कि हेलो क्या है, व्हाट इज़ हेलो, है ना। तो देखिए, इसके इसे जानने से पहले आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्रांसपीरेशन का केस, है ना। तो देखिए, हम सभी को पता है कि हमारे एटमोसफेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, राइट। वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है ना। और अब वाटर वेपर ये जो है तो वो कहाँ से प्रेजेंट होता है, कहाँ से जाता है, तो एक्चुअली में ट्रीज़ जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनमें ट्रांसपीरेशन की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। ट्रीज़ में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, उनकी जो लीफ होती है ना उस पर छोटे छोटे से स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा से ये एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, और CO2 एब्जॉर्ब होकर के जिस टाइम में ये CO2 एब्जॉर्ब हो रहा होता है उसी टाइम में प्लांट से, ट्रीज से जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर इसी होल होकर के, इसी होल से, इसी स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर इसके सरफेस पे आ जाते हैं। अब जब इसके सरफेस पे वाटर प्रेजेंट हो जाता है, जो भी एक्सेस वाटर होता है ना प्लांट बॉडी का, वो इस लीफ के ऊपर ऊपरी सतह पे आ जाता है, ठीक है, ऊपरी सतह पे आ जाता है। उसके बाद हम सभी को पता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना जब फूड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो इन्हें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट जब ये, और हम सबको ये भी पता है कि इस लीफ में, इसी लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो इसी क्लोरोप्लास्ट का काम होता है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो जब ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इस वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। एज वी नो कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है, तो पार्टिकल्स की, वाटर ड्रॉपलेट्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, ओके, और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर के ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, और यही वाटर वेपर कंडेंस होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, और ये क्लाउड कंडेंस होकर के फिर ये वापस से रेनफॉल के थ्रू ज़मीन पे आते हैं। इसी तरह से वाटर साइकिल जो है ना वो चलता रहता है, वाटर साइकिल का रिन्यूअल होता रहता है, ठीक है। तो अब जब कभी टेम्परेचर लो होता है, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर है ना, ये वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हुए बिना ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है आइस पार्टिकल्स में, ठीक है। ये जो वाटर वेपर हैं, टेम्परेचर लो होने के कारण, या वाटर वेपर का नंबर, वाटर वेपर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन अगर इसका बढ़ जाता है, तो ये क्या होते हैं, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं आइस पार्टिकल्स में, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, तो जैसे ही इस सनलाइट से, ये जो सनलाइट आ रही होती है, इस सनलाइट से मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे ये जो आइस पार्टिकल्स बन गए, वो आइस पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक है,
अब ये जो आइस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इस सन के अराउंड में, है ना, सन के अराउंड मतलब बिल्कुल एक ही लेवल पे नहीं, नीचे 22 डिग्री के डिस्टेंस पे, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है ना वो 22 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो ये जो सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट इस क्रिस्टल से टकराती है, आइस क्रिस्टल से टकराती है, और टकराने की वजह से ये जो आइस पार्टिकल्स होते हैं ना, तो आइस पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइस पार्टिकल नहीं एक्चुअली क्रिस्टल कहेंगे हम इसे, ओके, आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं, इन आइस क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती, इनके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि ये इससे जो आकर के लाइट टकराती है तो वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह से हर आइस पार्टिकल आइस क्रिस्टल से टकराती है और लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपनी जगह से थोड़ा सा मुड़ जाती है। रिफ्रैक्ट करने का क्या मतलब है, अपनी जगह से थोड़ा सा मुड़ जाना। रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है, किसी सतह से टकराना और डायरेक्ट वापस हो जाना फिर से, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, किसी सतह से टकरा करके लाइट का वापस मुड़ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है, और टकरा करके थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाना तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी होती है आइस क्रिस्टल के, जिसकी वजह से ये जो सनलाइट आ रही होती है वो टकरा करके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसी रिफ्रैक्शन की वजह से एक रिंग बन जाता है इसके अराउंड में, तो इसी वजह से एक रिंग बन जाता है, और बिकॉज ये एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसी को हम कहते हैं हेलो, ठीक है, क्या कहते हैं, हम इसे हेलो कहते हैं। और बिकॉज ये सोलर के अराउंड बन रहा है इसलिए इसको सोलर हेलो कहा जाता है। अब यहाँ पे अंधेरा जो दिख रहा है आपको, ये जो अंधेरा यहाँ पे जो अंधेरा दिख रहा है वो अंधेरा इस वजह से दिखता है क्योंकि जब ये आइस पार्टिकल से लाइट टकराती है तो वो तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, वापस तो जाती नहीं है, इसलिए इस बीच में जो इतना स्पेस है यहाँ पे तो कोई लाइट ही नहीं रहती है, इस वजह से यहाँ पे डार्कनेस हो जाती है, ये जो पार्ट है वो डार्कर हो जाता है और सारी लाइट यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे लाइट एक यहाँ से जो लाइट इस पार्टिकल से टकरा करके, इस क्रिस्टल से टकरा करके रिफ्रैक्ट होती है तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है, लाइट में डिस्पर्जन हो जाता है। डिस्पर्जन की वजह से ये डिफरेंट कलर्स में लाइट ब्रेक हो जाती है, जिसके वजह से हमें इंद्रधनुष की तरह इस पर डिफरेंट कलर्स लाइट के शो होने लगते हैं, तो इस तरह का एक रिंग बन जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक ऑप्टिकल फेनोमेना है, हेलो इज ऑप्टिकल फेनोमेना जो कि एटमॉस्फेयर में आइस पार्टिकल्स की कंडेंसेशन की वजह से, उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ये जो सनलाइट निकल रही होती है वो उस आइस पार्टिकल से आकर के टकराती है, टकरा करके रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होकर के डिस्पर्जन होता है, और डिस्पर्जन की वजह से लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, है ना, ये ब्रेक डाउन होकर के क्या होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में हमें शो होने लगते हैं, और सन के अराउंड में एक रिंग बन जाता है जिसे हम कहते हैं सोलर हेलो। ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो आज हम लोगों को यही सीन दिखा था, तो ये सोलर इक्लिप्स नहीं है, ये क्या है, सोलर हेलो है, और अगर मून के अराउंड दिखता तो हम इसे क्या कहते, ल्यूनर हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए मेंशन भी कर दिया है, अ हेलो इज एन ऑप्टिकल फिनोमिनन, ये एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है प्रोड्यूस्ड बाय लाइट टिपिकली फ्रॉम द सन और मून इंटरेक्टिंग विद आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइस क्रिस्टल इन्वॉल्व, नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द रिंग, ये जो रिंग बना उस रिंग के अंदर में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्कनेस दिखता है और उसके चारों तरफ हमें लाइट दिख रही होती है, और इस वजह से एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं सोलर हेलो, सन रिंग, ठीक है। लुक एट दिस, ये सन है, इस सन से लाइट निकल रही है, है ना। अब ये है पार्टिकल्स, आइस के क्रिस्टल्स हैं, अब इस आइस क्रिस्टल से लाइट टकराई और वो ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, फिर दूसरे क्रिस्टल से भी टकराई, रिफ्रैक्ट हो गई, तो डिफरेंट कलर में लाइट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें डिफरेंट कलर का एक ये रिंग दिखाई देने लगता है जिसे हम कहते हैं सोलर रिंग। ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो बस यही बताना था आप सभी को कि आज जो हम लोगों ने देखा, आज जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो सोलर इक्लिप्स नहीं था, सूर्य ग्रहण नहीं था, बल्कि सोलर हेलो था, जो कि कभी कभी दिखाई देता है, ज़्यादातर जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है उन इलाकों में ज़्यादा दिखाई देता है, और अपने इंडिया में कभी कभी ये
ऐसा फिनोमेना देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।